दोस्तों, पबजी गेम का एक सबसे बड़ा कंपटीशन फौजी रिलीज़ होने वाला था अक्टूबर 2020 में। अक्टूबर से ये डेट नवंबर गई और नवंबर से ये डेट चली गई दिसंबर में, और दिसंबर भी अब ख़त्म होने वाला है, या इनफैक्ट शुरू हुआ है, ख़त्म भी हो जाएगा। बट अभी तक ऑफिशियल डेवलपर्स और पब्लिशर्स की तरफ से एनकोर गेम्स ने कुछ नहीं बोला है कि ये गेम कब रिलीज़ होगा। फौजी की फुल फॉर्म है फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, और पबजी के बैन होने के बाद फौजी इंडिया में रोल प्ले के लिए आया था, जहां पर अक्षय कुमार ने ये कहा था कि ये गेम ओवरटेक करेगा उन एंथुजियास्ट को जो काफ़ी हद तक पबजी को पसंद करते हैं। ईके एनिमेशन के पब्लिशर्स का हेड ऑफिस बैंगलोर में है, और बैंगलोर से उनके हेड ऑफिस की तरफ से आज तक टिल द डेट कोई न्यूज़ नहीं आई है। टेक्निकल गुरुजी ने 26 नवंबर को अपनी टेक न्यूज़ में क्लेम किया था कि बहुत जल्द फौजी रिलीज़ होने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स का रोल तब आया था जब इंडिया में पबजी जैसे गेम्स की सिक्योरिटीज़ पे सवाल उठने लग गए थे, क्योंकि उनके सर्वर इंडिया में लोकेटेड नहीं थे, उनके सर्वर लोकेटेड थे चाइना जैसी कंट्री में, जो कि सर्वर के साथ डेटा के साथ टैम्परिंग कर सकते थे और आपके डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकते थे। इंडियन गवर्नमेंट किसी भी कीमत पे अपने यूज़र्स या फिर अपने कंट्री मैन के सिटीजन्स किसी का भी डेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं होना देना चाहती थी, तो एक प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने हमारे फ़ोन से और प्ले स्टोर से कई चाइनीज़ ऐप अनइंस्टॉल करवा दिए या बैन करवा दिए, जिन्हें कहीं ना कहीं उन्हें खतरा लगता था। फौजी, जिसकी फुल फॉर्म है फेयरलेस एंड यूनाइटेड गेम्स या फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, वो सारे गेम अभी बनाएगा गलवान वैली के इंसिडेंट्स के ऊपर। ये सारे गेम अभी मल्टीप्लेयर बेसिस पे होंगे, बैटल रॉयल जैसे फंक्शंस अभी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एनकोर गेम डेवलपर्स अपने हेड ऑफिस की तरफ से कहते हैं कि बाद में आफ्टर सम टाइम ऑफ रिलीज आपको ये सारे गेम्स बैटल रॉयल के पब्लिश आर्ट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, फौजी गेम की रिलीज डेट कहीं ना कहीं 26 अक्टूबर से 26 नवंबर तक खींच गई। इनफैक्ट नवंबर के आखिरी हफ्ते के वीकेंड में गुरुजी ने, टेक्निकल गुरुजी ने खुद बताया था कि गेम रिलीज़ होने वाला है, बट अभी तक गेम रिलीज़ की कोई डेट पता नहीं चली है। जानेंगे फौजी के बारे में, उम्मीद करेंगे कि इस महीने वो शायद रिलीज़ हो जाए।